के अंतर से बेगूसराय में गिरिराज सिंह कर रहे हैं लीड। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जिस तरीके से आप सब जानते हैं चुनावी नतीजे आ जाने वाले हैं, एक के बाद एक लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। और अब सीधे आपको लेकर चलेंगे बेगूसराय। यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भले ही आई हो सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने, लेकिन लगता है स्वरा भास्कर की बातों को बेगूसराय की जनता ने जरा भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां गिरिराज सिंह 65,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार के बारे में एक बात आपको ये बताएंगे, टक्कर उन्होंने यहां पूरे अच्छे तरीके से गिरिराज सिंह को देने की कोशिश की, क्योंकि कन्हैया कुमार दूसरे पायदान पर है। सबसे पहले बेगूसराय में मुकाबला त्रिकोणीय है, सीपीआई की ओर से यहां पर कन्हैया कुमार थे, गठबंधन की ओर से तनवीर हसन और भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिरिराज सिंह। और त्रिकोणीय मुकाबले पर जो सबकी नजर टिकी हुई थी, एक के बाद एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यहां कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने आए। गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार दोनों के बीच कांटे की टक्कर, और कांटे की टक्कर में पहले पायदान पर 65,000 वोट पाकर 65,000 से ज्यादा वोटों के अंतर के साथ गिरिराज सिंह है, दूसरे पर कन्हैया कुमार और उसके बाद आते हैं तनवीर हसन गठबंधन की ओर से। बता दें आपको बेगूसराय की जनता पर अगर बेगूसराय के वहां जो वोट है उनका आंकलन किया जाए तो मुस्लिम और भूमिहार ज्यादा तादाद में यहां पाए जाते हैं। अब क्योंकि कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह दोनों ही भूमिहार हैं, तो इस आधार पर वोट कटने का सवाल थोड़ा कमजोर ही उठता है। लेकिन इन सबके बीच में राजनीतिक विशेषज्ञों का यह दावा था कि कन्हैया कुमार को इस बार मुस्लिम वोट जरूर मिलेगा, और जिस तरीके से तनवीर हसन को पछाड़कर कन्हैया कुमार ने दूसरे पायदान पर अपनी जगह बनाई है, यही कहा जा सकता है कि कन्हैया कुमार को सपोर्ट मिला है। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा यहाँ, हालांकि पहले उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था, उसके बाद सीपीआई की ओर से उन्हें टिकट दिया गया, मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया गया। कन्हैया कुमार ने जनता के बीच दावे किए, मगर अफसोस यहाँ कन्हैया कुमार के दावों को पूरी तरह रौंद दिया है गिरिराज सिंह के राजनीतिक अनुभव ने, जो 65,000 से ज्यादा वोट का अंतर यहां बढ़ाकर पहले पायदान पर लीड कर रहे हैं। बता दें आपको अभी तो शुरुआत हुई है और आगे आगे ये अंतर बढ़ भी सकता है, ये अंतर घट भी सकता है, क्योंकि आंकड़ों में फेर बदल 8 बजे से जो शुरू हुए हैं यहाँ पर रिजल्ट्स आने, उसके बाद से ही लगातार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का परचम गिरिराज सिंह की जीत के साथ बेगूसराय में लहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ जुड़े रहें।